गीता जयंती परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए हुए उपदेश के बारे में है। महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध हेतु अर्जुन परमात्मा कृष्ण के साथ जब आए तब उन्हें लगा कि यहां तो सभी हमारे सहोदर हैं, हमारे परिवार, हमारे भाई लोग ही हैं, हमारे गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं, मैं उनके साथ युद्ध कैसे कर सकता, ये तो गलत होगा। तब परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही गीता। जिस दिन वह उपदेश उन्होंने आरंभ करके अर्जुन को दिया उस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, जो कि गीता जयंती के रूप में मनाई जाती। संपूर्ण विश्व में गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। परमात्मा श्री कृष्ण ने 18 अध्याय कहे, इन 18 अध्याय में 700 श्लोक है जो जीवन के मूल मंत्र की तरह काम करते हैं। अनेकों मैनेजमेंट सूत्र है इसमें, ज्ञान योग, कर्म योग, साधना योग, ऐसे अनेकों विषय परमात्मा श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश में अर्जुन को कहे। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, जो आया है वो जाएगा ही, तुम्हारा क्या था, कुछ नहीं था, ऐसा ऐसे विशेष उपदेश जो उन्होंने कहा कि आज आपको लग रहा है कि ये हमारे सगे संबंधी हैं, मैं इनके साथ युद्ध क्यों करूं, तो धर्म की स्थापना करने के लिए आपको ऐसे बुरे और दुराचारी लोग को मारना ही पड़ेगा, जो पाप कर्म कर रहे हैं उन्हें मिटाना ही पड़ेगा। इस प्रकार के अनेकों उपदेश परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे। और परमात्मा के द्वारा कहे गए इस वचन को पालन करने के लिए जो भी कोई गीता जयंती के दिन गीता का पाठ करता है या निरंतर अपने जीवन में गीता का उपदेश सुनता है या पाठ करता है, उसका जीवन जो है तर जाएगा, परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाएगा। ऐसा विश्व भर में गीता सर्वाधिक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। अनेकों धर्मावलंबी गीता का उपदेश को सुनते हैं, उनके मैनेजमेंट के सूत्रों को उपयोग में लाते हैं। इस बार की गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन दिनांक 23 दिसंबर को मनाई जाएगी। आप सभी इस दिन प्रातः काल उठ करके अपने परमात्मा का ध्यान करते हुए, पूजा करते हुए, स्नान ध्यान करके गीता पुस्तक को हाथ में लेकर के आप उस दिन अध्ययन करें, पढ़े, मनन करें, उसमें जो योग्य बातें हैं उसको जाने, परमात्मा श्री कृष्ण का एवं गीता नामक ग्रंथ का पूजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। हरिओम।